हेलो स्टूडेंट्स, हियर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस न्यूटन रैफसन मेथड। यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे न्यूटन रैफसन मेथड होता क्या है, देन उससे रिलेटेड डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। न्यूटन रैफसन मेथड का डेरिवेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि वो डेरिवेशन में आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो वहां पर भी उस फॉर्मूले का यूज होने वाला है। नाउ उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द न्यूटन रैफसन मेथड। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूटन रैफसन मेथड होता क्या है और उसका यूज कहाँ पर किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज यूज टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट। मतलब न्यूटन रैफसन मेथड का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, टू फाइंडिंग द रूट ऑफ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द रूट। मतलब कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट फाइंड करना रहेगा किसी का भी, तो हम लोग न्यूटन रैफसन मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं। अब वो अप्रोक्सीमेशन रूट रूट किसका फाइंड कर सकते हो, रूट हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखेंगे किस किस का रूट फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको रूट 79 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 89, क्यूब रूट ऑफ 115 और फिफ्थ रूट ऑफ 120 में एनी वैल्यू का रूट अगर आपको फाइंड करना रहेगा, अदरवाइज कोई इक्वेशन की मैंने अल्जेब्रा की इक्वेशन, उस अल्जेब्रा की इक्वेशन का भी आप बाय यूजिंग द न्यूटन रैफसन मेथड आप लोग क्या कर सकते हो, उसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट फाइंड कर सकती हो। ये तो हो गया यूज की बात, इट इज यूज टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। अब नाउ हम लोग देखते हैं डेरिवेशन रिलेटेड टू द न्यूटन रैफसन मेथड। नाउ सी डेरिवेशन, डेरिवेशन में देखिए कैसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे न्यूटन रैफसन मेथड का डेरिवेशन। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लेट, जो कि डेरिवेशन में जो आपको लास्ट फॉर्मूला मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होगा। तो लेट एक्स जीरो बी द approximate value of root and x0 plus h be the exact value of root of equation f of x 0 plus h is equal to 0, where h is very small, h क्या रहेगा आपका very small। अभी हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तब तक देखिए क्या लिखा है यहां पर, let x 0 be the approximate value of root। x 0 क्या आपका एक approximate value of root होगा, एंड x0 प्लस h क्या रहेगा बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट। x0 क्या है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगा, और x0h क्या रहेगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट किसका रहेगा, फंक्शन जो कि इक्वेशन है आपका f ऑफ x0 प्लस h इज इक्वल टू 0, वेयर h इज अ वेरी स्मॉल। नाउ बाय टेलर सीरीज, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने वाले, टेलर सीरीज जिसको नहीं पता होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड बात करेंगे। टेलर सीरीज होता क्या है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, टेलर सीरीज मेथड का। टेलर सीरीज मेथड का यूज करके ही आप क्या करते हो, डेरिवेशन किसका सॉल्व करते हैं, न्यूटन रैफसन मेथड का। याद रखना न्यूटन रैफसन मेथड का हम लोग डेरिवेशन कहाँ से लाते हैं, टेलर सीरीज मेथड से। टेलर सीरीज मेथड का फॉर्मूला जो होता है एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच, ये जो कि फॉर्मूला होता है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसे। दैट इज क्या होगा फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस एच क्यू डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस एन सो ऑन। सिमिलरली एच रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एफ रेस टू एन ऑफ एक्स जीरो। ये है क्या आपका टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। एफ डैश ऑफ एक्स जीरो क्या होता है, जो कि डेरिवेटिव होता है किसका, इस फंक्शन का। और एक्स जीरो क्या होता है, जैसे हम लोग ने यहाँ पर लिखा एक्स जीरो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट होता है, और एक्स जीरो प्लस एच ये जो होता है एक्स जीरो प्लस एच ये क्या होता है आपका एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग ने इक्वेशन को यूज किया जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू का जीरो हो जाएगा, तो हम लोग इसे इक्वेट करके जीरो कर सकते हैं। और एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस एच क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स जीरो, मतलब ये जो फंक्शन है देखिए यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर क्या है एफ ऑफ एक्स जीरो है, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव किया गया है
डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, जैसे जैसे डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एच का वैल्यू भी यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो रहा है, एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एच क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स जीरो। ये जो कि फॉर्मूला है आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बाय डेरिवेशन ऑफ द, जिसका डेरिवेशन हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड का कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले। जैसे कि देखिए हम लोग ने अभी जो पॉइंट लिखा है यहाँ पर, लेट एक्स जीरो बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट अगर आपका एक्स जीरो है और एक्स जीरो प्लस एच अगर आपका एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट है, तो हमें जैसे पता है क्या है फंक्शन यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अगर ये रूट है तो यहाँ पर हम लोग ने इसे जीरो माना है, राइट है, इसे हम लोग ने क्या लिया जीरो लिया। तो और एच इज ए वेरी स्मॉल, एच हम लोग ने अज्यूम किया है कि वेरी स्मॉल, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अगर एच वेरी स्मॉल रहेगा मतलब कि एच का वैल्यू जीरो हो सकता है, एच जो हायर वैल्यू ऑफ एच रहेगा हम लोग उसे क्या करेंगे जीरो अज्यूम करने वाले हैं। और हमें यह भी पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स जीरो प्लस एच जो भी इक्वेशन रहेगा हम लोग उसे इक्वेट करेंगे जीरो से। ये किस लिए करेंगे, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी सेम हम लोग करने वाले, क्या करेंगे जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसे हम लोग सबसे पहले अज्यूम करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से, राइट है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो फंक्शन है उसे हम लोग अज्यूम करेंगे जीरो से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो गया जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इंटू क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, जैसे कि हम लोग ने बोला एच का वैल्यू हायर वैल्यू के लिए हम लोग क्या अज्यूम करेंगे जीरो, तो एच स्क्वायर क्या है इस एच से हायर वैल्यू, तो देयर फॉर एच स्क्वायर एच क्यू क्या हो जाएगा हायर वैल्यू के कारण ये हो जाएगा जीरो, राइट है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आपको अगर आप इसे इक्वेट करोगे तो इसे, क्योंकि हमें एच का वैल्यू फाइन करना है, तो एच का वैल्यू फाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, और इसे अगर राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो, राइट है। तो यहाँ से अगर आपको एच का वैल्यू फाइन करना है तो एच का वैल्यू क्या मिल जाएगा दैट इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, दिस इज योर एच का वैल्यू, जो कि हमें एच का वैल्यू मिल गया। एच का वैल्यू हमें क्यों फाइन करना है, जो कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन, जैसे कि हमें पता है न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट, जैसे कि हम लोग ने पहले में देखा था इट इज यूज टू फाइंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट। सेकेंड पॉइंट क्या है एक्स जीरो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट होता है, एक्स जीरो प्लस एच एग्जैक्ट वैल्यू होता है, और जिस जो फंक्शन को हम लोग ने जीरो अज्यूम किया, राइट है, एच इज लेस देन जीरो मतलब कि जीरो जहां पर हायर वैल्यू ऑफ एच रहेगा वहां पर हम लोग अज्यूम करेंगे जीरो, तो यहां से आपको ये मिल जाएगा, यहां से हमें एच का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ देखिए अगर जैसे ही आपको एच का वैल्यू मिला तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एच का वैल्यू मिलेगा तो हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोग फाइंड करेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जैसे टेलर सीरीज में भी ये पॉइंट आपको नोट, यहाँ पर हम लोग जैसे कर रहे हैं सेम हम लोग टेलर सीरीज में भी करने वाले हैं इस तरह से। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का जो वैल्यू रहेगा इसका फॉर्मूला होता है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच, यहाँ पर एक्स वन क्या होता है आपका एग्जैक्ट वैल्यू होता है, एक्स जीरो क्या होता है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होता है, और एच का वैल्यू आप यहाँ से इसमें सब्सटीट्यूट करोगे। तो नाउ यहाँ से एक्स वन का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच, एच का वैल्यू हमें क्या पता माइनस, तो हो जाएगा एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, यहां पर मैं देखिए ये हो गया आपका एक्स वन, दैट इज ये हो गया आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू, तो आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए एक्स वन की जगह पे आप क्या कर सकते हो एक्स टू लिख सकते हो, राइट है। हम लोग ने देखी ये जो ये आपको जो न्यूटन रैप्सन मेथड है ये सेम आपको हम लोग ने जेकोबी मेथड देखा था, तो जेकोबी मेथड से भी थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, बट हम लोग भी वहां पर भी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करते थे, बट वहां पर हम लोग मैट्रिक्स का फाइंड करते थे, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का फाइंड करेंगे, दैट इज किसी इक्वेशन रहेगा या तो किसी रूट रहेगा उसका हम लोग अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग एक्स टू लेंगे, एक्स टू क्या होगा एग्जैक्ट वैल्यू होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वन, एक्स वन किसका लोगे जो भी वैल्यू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से जो भी वैल्यू मिलेगा इसे फाइंड करने पर उसे आपको यहां पर लेना पड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स वन। सिमिलरली अगर आप चाहे तो एक्स थ्री लोगे तो एक्स थ्री के लिए क्या हो जाएगा एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स टू। अगर आप इसी तरह से अगर आप करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक्स एन प्लस वन मिलेगा,
क्यू एक्स एन प्लस वन मिलेगा, क्योंकि यहां पर देखिए जैसे यहां पर एक्स वन था तो यहां पर एक कम है, राइट है। सिमिलरली यहां पर टू है तो यहां पर एक कम है, दैट इज एक्स टू है तो यहां पर हम लोग एक्स वन लिख रहे हैं। तो यहां पर एक्स एन प्लस वन रहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन। यही क्या होता है, ये जो फॉर्मूला आपका होता है, यही फॉर्मूला आपका होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला, जो कि हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। जहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स एन एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ न्यूटन रैप्सन मेथड, जो कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। नाउ देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि कैसे डिराइव किया, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको एक बार और ध्यान से देखिएगा हम लोग ने किया क्या यहाँ पर। देखिए नाउ सी वन मोर टाइम्स हाउ टू डिराइव दिस न्यूटन रैप्सन मेथड। देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड, इट इज सबसे पहला पॉइंट है, इट इज यूज टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट। जब भी न्यूटन रैप्सन मेथड का जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जैसे ही न्यूटन रैप्सन मेथड, जब भी कोई इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन का यूज करना है आपको बाय सॉल्विंग द न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड जैसे ही आपको मिलता है तो वहां पर याद रखिएगा, वहां पर हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज कहां पर करते हैं, फॉर फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द रूट, राइट है। नाउ अब हम लोग डेरिवेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन के लिए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है याद रखने के लिए, x0 जीरो बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट एंड x0 जीरो प्लस एस बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एस इज इक्वल टू जीरो, राइट है। x0 क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट होता है, x0 जीरो प्लस एस क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट, वेयर एच इज वेरी स्मॉल, जो ये एच यहां पर लिया गया है इज वेरी स्मॉल। तो नाउ हम लोग क्या यूज करेंगे, टेलर सीरीज, ये जो कि हम लोग ने अजम्पशन लिया, अजम्पशन क्या यूज किया कि जो x0 जीरो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, x0 जीरो प्लस एस क्या था, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, वेयर एच इज वेरी स्मॉल। नाउ बाय टेलर सीरीज से हमें इक्वेशन ये पता है क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस एन वन एच रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एफ रेस टू एन एक्स जीरो। यहाँ पर जो एफ डैश एफ डबल डैश क्या है, ये डेरिवेटिव है, राइट है, और फैक्टोरियल यहाँ पर एच जो कि है, यहाँ पर इसके लिए फॉर न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए एच हम लोग वेरी स्मॉल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एच लेस देन जीरो लोगे और एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इक्वल टू करोगे तो यहाँ से न्यूटन रैप्सन मेथड से क्या मिल जाएगा, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस एच स्क्वायर। एस कम्पेयर टू एच, एच स्क्वायर क्या है, बड़ा वैल्यू है, बिग वैल्यू है, देयरफोर हम लोग ने क्या अज्यूम किया कि एच का वैल्यू लेस, बहुत छोटा वैल्यू है। तो छोटा वैल्यू होने के कारण जब भी एच स्क्वायर होगा तो एच स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो और छोटा होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसे निगलेक्ट कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो जीरो। तो हमारे पास जो मिलेगा ये दो वैल्यू मिलेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस जीरो। तो हमें क्या h का वैल्यू फाइंड करना है, तो h का वैल्यू फाइंड करने के लिए इससे लेफ्ट हैंड साइड में लोगे तो माइनस हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। एक्स जीरो क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट, राइट है। नाउ हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये h का वैल्यू जैसे मिला तो यहां से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच, जो कि ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच। एक्स जीरो क्या होता है, आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्स वन क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू। एच का वैल्यू यहां से हम लोग यहां पर सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, दैट इज एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। नाउ हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एच, तो x1 वन प्लस एच, तो h का वैल्यू क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। तो याद रखिएगा जो भी x1 का वैल्यू मिलेगा यहां पर सब्सटीट्यूट करोगे, और h का वैल्यू कहां से लोगे, ये वाला वैल्यू x1 का, राइट है, ये वाला वैल्यू लोगे, ये वाला वैल्यू आप नहीं लोगे, ये वाला x1, जो कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा x2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, x1 माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स वन। सिमिलरली अगर आप x3 कैलकुलेट करना चाहते हो दैट इज थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो कैसे हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ एक्स टू अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स टू, जो कि ये फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वहां पे मेंशन रहेगा, तो वहां से आप यहां पर सब्सटीट्यूट कर सकते हो, जो कि कैलसी का यूज करना है, कैलसी का यूज करके आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से अगर आप एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स करते जाओगे तो एन टाइम्स अगर आपको करना रहेगा तो कैसे करोगे, एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन
माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। देखिए यहाँ पर वन था तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर टू था तो यहाँ पर वन, तो यहाँ पर अगर एन प्लस वन रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। देयर फॉर एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन, वेयर एन इज जीरो वन टू एंड सो वन। दिस इज अ व्हाट, न्यूटन रैफसन मेथड। याद रखिएगा न्यूटन रैफसन मेथड हम लोग यूज किस लिए करते हैं, फॉर फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट। नाउ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू न्यूटन रैफसन मेथड, जो कि आपको अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का यूज होने वाला है। देखिए इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी स्टेट लेवल का एग्जाम भी दोगे तो वहां पर भी वो पॉइंट आपको मेंशन रहेगा, तो आपको वो पॉइंट याद रखना है। नाउ हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फॉर फाइंडिंग द न्यूटन रैफसन मेथड। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ पर हम लोगों ने लिख के रखा है, आपको खाली समझना है कि एक्चुअल में क्या होता है इसका मतलब। देखिए न्यूटन रैफसन मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि हम लोग ने देखा था न्यूटन रैफसन मेथड का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, फॉर फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट। तो यहाँ पर सेम हम लोग ने लिखा न्यूटन रैफसन मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। न्यूटन रैफसन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन, जो कि हम लोग ने डेरिवेशन इससे रिलेटेड किया, न्यूटन रैफसन मेथड का हम लोग ने डेरिवेशन देखा था उससे। डेरिवेशन का एक बात और याद रखना, कभी कभी आपको गवर्नमेंट लेवल एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि न्यूटन रैफसन मेथड को हम लोग डिराइव कहाँ से करते हैं, तो डिराइव हम लोग कहाँ से करते हैं, बाय यूजिंग द टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का हम लोग यूज करते हैं, टेलर सीरीज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं उसका न्यूटन रैफसन मेथड का हम लोग डेरिवेशन को प्रूव करते हैं। तो फार्मूला ये है, आपको याद रखना है फार्मूला। थर्ड पॉइंट क्या, आपका मैक्सिमम 3 to 4 इटरेशन आंसर ऑफ अप्रोक्सीमेशन गेट। मतलब क्या हुआ इसका कि 3 to 4 इटरेशन में मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 to 4 इटरेशन में आपको आंसर मिल जाना चाहिए। अगर 3 to 4 इटरेशन अगर ज्यादा बड़ा हो रहा है तो समझिए कि आप कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो, राइट है। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम 3 to 4 इटरेशन आंसर ऑफ अप्रोक्सीमेशन गेट। फोर्थ पॉइंट क्या, इफ एफ डैश ऑफ एक्स जीरो और नियरली जीरो देन मेथड फेल्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो पॉइंट डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो जो मेथड है न्यूटन रैफसन मेथड का आपको यूजफुल नहीं होगा, दैट इज वहां पर वो फेल हो जाएगा। तो दिस इज अ फोर्थ पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, एफ डैश ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा तो टेलर हम लोग यहाँ पर न्यूटन रैफसन मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट यहाँ पर हम लोग इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट भी फाइंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट इज नथिंग बट आई के फॉर्म में, दैट इज आयोटा के फॉर्म में हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स रूट भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन रैफसन मेथड। और सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट जो कि हम लोग ने यहाँ पर लिया है, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इज अ मेथड ऑफ अ टेंजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेथड ऑफ टेंजेंट के बारे में, आपको मैं खाली इतना बताऊंगा मेथड ऑफ टेंजेंट का भी यूज करके आप न्यूटन रैफसन मेथड फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करोगे न्यूटन रैफसन मेथड में, तो वहां पर हम लोग टेंजेंट का यूज करके किसी भी न्यूटन रैफसन मेथड का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं यहाँ पर, तो लेट से कि जो हम लोग ने बोला कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ एक्स जीरो होता है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू। अगर कोई फंक्शन ये लेट से कि ये क्या आपका y इज इक्वल टू क्या है एफ ऑफ एक्स जीरो है, राइट है। और यहाँ पर हम लोग ने क्या बोला, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ टेंजेंट। तो अगर ये पॉइंट लेट से कि ये जो पॉइंट है यहां से न जाके लेट से यहीं से जा रहा है आपका जीरो से, राइट है। और जो सेकेंड पॉइंट है ये पॉइंट है यहां से जा रहा है आपका इस पॉइंट से, तो लेट से दिस इज द पॉइंट ए। और यहां पर सिमिलरली अगर देखेंगे यहां पर लेट्स यहां पर देखिए, ये थोड़ा यहां पर मिस्टेक हुआ है, यहां पर ये देखिए ये क्या आपका वाई एक्सिस है और दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये जो कर्व आपको गिवन है ये क्या गिवन है कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो, राइट है। तो ये फंक्शन हम लोग ने लिया था, ये क्या होता है आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है एक्स जीरो। तो यहां से अगर आपको फाइंड करना है एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए लेट से दिस इज द पॉइंट ए एंड यहां से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट से ये और बड़ा करते हैं और लेट से दिस इज द पॉइंट पी। और जब भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो लेट से कि ये टेंजेंट आपका कुछ यहां से सट के आपको यहां तक जाएगा और ये टेंजेंट यहां पर मीट कर रहा है, दैट इज लेट से दिस इज द पॉइंट क्यू। तो ये जो टेंजेंट देता है, ये जो टेंजेंट जहां पर एक्स एक्सिस पर मीट करेगा वो क्या होता है आपका एक्स वन, ये होता है एक्स वन। एंड लेट से दिस इज द पी जो है यहां पर वो एक्स जीरो है, तो एक्स वन यहां पर है तो हमें पता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा एक्स जीरो प्लस एच, और एच का वैल्यू हमें पता है क्या होता है
माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली अगर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमें फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स वन है यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द कर्व, जहां पर कर्व पे टच होगा। तो लेट से दिस इज द पॉइंट आर, लेट से दिस इज द पॉइंट क्यू। तो जहां पर ये पॉइंट टच होगा तो वहां से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और एक टेंजेंट जहां पर भी मीट करेगा, लेट से दिस इज द पॉइंट यहां पर मीट किया ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये हो गया आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, दैट इज एक्स टू। तो एक्स टू का वैल्यू आप सिमिलरली एक्स वन प्लस एच करोगे, तो एक्स वन प्लस एच, एच का वैल्यू हमें ये पता है, सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जो कि समझ में आया होगा। एक्चुअली में मैं आपको खाली समझाने के लिए ऐसा किया, बट आपका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, जो कि ये मेथड ऑल्सो कॉल्ड इज ए मेथड ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट का ड्रॉ करके हम लोग अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इज ए मेथड ऑफ टेंजेंट। नाउ हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द न्यूटन रैफसन मेथड। न्यूटन रैफसन मेथड में खाली आपको ये